नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल में। और दोस्तों कैसे हो यार आप सब, आशा करता हूँ कि सब बढ़िया होंगे। तो आज मैं दोस्तों आपको लेके आया हूँ एक आश्रम में जो कि मेन हाईवे पे है और बहुत ही सुंदर है यार। अभी पूरी वीडियो देखना, बहुत मज़ा आएगा आपको। और काफ़ी जगह है इसमें, काफ़ी स्पेशियस है और मंदिर भी है, काफ़ी सारे रूम्स है, पार्क वगैरह भी बने हुए हैं, कैंटीन भी है। तो आश्रम के बारे में बताऊं दोस्तों, तो आश्रम का नाम है श्री गंगा स्वरूप आश्रम। और ये जो फ्लाईओवर में की वीडियो मैंने दिखाई थी आपको, मोतीचूर फ्लाईओवर जो नया बना है, तो ऋषिकेश की तरफ आप जाते हैं तो फ्लाईओवर से जो स्टार्ट होता है फ्लाईओवर, उससे थोड़ा सा पहले ये पड़ता है अपना आश्रम। और मेन हाईवे पे है और काफ़ी जगह है, पार्किंग वगैरह हर चीज़ की जगह है यहाँ पे। आप देख सकते हो कितना सुंदर बना हुआ है। और ऊपर मंदिर भी है, मंदिर भी आपको दिखाऊंगा। आप देखिए, पहले ये देखिए, यहाँ पे इनकी ये कैंटीन है और नाम ऊपर लिखा हुआ है श्री गंगा स्वरूप आश्रम। आप वीडियो कंटिन्यू देखते रहिए और दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो यार, वीडियो शेयर करो। दोस्तों जो पहले मैंने आश्रम की वीडियो डाली थी वो हरिद्वार में सिटी के एकदम अंदर है, तो जैसे किसी को वहाँ पे काफ़ी सारी भीड़ होती है और ट्रैफिक वगैरह होता है, तो कोई कोई प्रेफर करता है कि बाहर बाहर ही रहे, मेन हाईवे पे ही, जिससे कि अगर जिसके पास गाड़ी है उसे ज़्यादा ट्रैफिक वगैरह में ना फंसना पड़े, तो वो यहाँ आके रह सकता है। दोस्तों ये काफ़ी जगह है यहाँ पे और हाईवे से कनेक्टेड है। तो दोस्तों अगर जैसे आपको देहरादून जाना है या ऋषिकेश जाना है और आप इसी आश्रम में ठहरे हुए हैं, तो आपको सीधे गेट से बाहर निकलना है और सामने हाईवे है, आप डायरेक्ट जा सकते हैं। और अब तो फ्लाईओवर भी बन गए हैं। और अगर आपको बस से जाना है या ऑटो टेम्पो वगैरह पकड़ना है, वो भी मेन रोड से आप पकड़ सकते हैं, आपको मतलब कहीं इधर उधर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। आश्रम आप देखोगे इन्होंने काफ़ी मेंटेन करके रखा हुआ है, काफ़ी अच्छा है, काफ़ी स्वच्छ है, सुंदर है। काफ़ी सारे पौधे लगाए हैं इन्होंने, पेड़ लगे हैं और फूल भी हैं, हरा भरा कर रखा है, बहुत सुंदर लग रहा है। और यार वो मंदिर है ना ऊपर, वो बड़ा मतलब बहुत अच्छा दिख रहा है, बहुत बढ़िया लुक दे रहा है, तो वहाँ भी मैं आपको दिखाऊंगा, मैंने भी नहीं देखा कभी। तो दोस्तों मैं ऊपर आ गया हूँ यार, और अब आप कितना बढ़िया दिख रहा है, कितना सुंदर दिख रहा है मंदिर, काफ़ी अच्छा इन्होंने मतलब बनाया हुआ है डिज़ाइन भी और इंफ्रास्ट्रक्चर जो है यहाँ का। और देख सकते हैं आप पेड़ पौधे कितने लगे हैं, ताकि मतलब एक अच्छा लगता है देखने में, हरा भरा। वो एंट्री गेट है और एक बार मैं आपको दिखाता हूँ फिर से मंदिर। ये देखिए ये मंदिर है ऊपर, भाई बहुत सही लग रहा है, मतलब आप जाके देखोगे ना लाइव, बहुत बढ़िया लग रहा है। तो पंडित जी भी बैठे हुए हैं अंदर, तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये हैं हमारे हनुमान जी, जय बजरंगबली। तो दोस्तों ये मैं जा रहा हूँ इसकी आश्रम की बैक साइड में,
यहाँ देखते हैं, यहाँ भी शायद रूम्स हैं। जी हाँ, तो आप देखेंगे कि इस तरफ भी रूम्स हैं आपके, पार्क भी बना हुआ है और यहाँ पे लोग भी हैं। तो यहाँ भी अच्छा बनाया हुआ है, बैक साइड में भी काफ़ी सारे रूम्स हैं दोस्तों। मतलब रूम्स की कमी तो आपको होने नहीं वाली यहाँ पे यार, मतलब बहुत सारे इतने कमरे हैं यहाँ पे, आप देख सकते हो। ये यहाँ पे सत्संग भवन बना हुआ है, जैसे कुछ फंक्शन वगैरह होता है या कुछ पूजा पाठ कुछ भी होता है तो सब शायद यहीं होता है। और ये देखिए मंदिर बैक साइड से। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। अब मिलेंगे किसी दूसरी वीडियो में। आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो शेयर करें और अपना ध्यान रखें यार। और बताना चाहूँगा, कुंभ चल रहा है भाई, आप ज़रूर आइए हरिद्वार, गंगा मैया के दर्शन कीजिए और डुबकी लगाइए।